देखो, फिल्म मैंने मोबाइल के लिए नहीं बनाई है। अगर मेरा बस चले तो मैं यूट्यूब पे ट्रेलर डालू ही नहीं। फिल्म बड़े पर्दे पे बनाई है, बड़े पर्दे पर 3D में देखने के लिए बनाई है। मिरेकल! जब से आदि पुरुष का टीजर आया है तब से टीवी से लेके सोशल मीडिया तक एक ही चीज की चर्चा हो रही है, वो है कि आदि पुरुष का टीजर इतना बुरा क्यों है। अब जब इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, इतना बवाल मच चुका है, तो मेकर्स को कवर अप करने के लिए तो आना पड़ेगा। इसीलिए इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया है। यहाँ पर उनसे सारे सवाल पूछे गए जो हम लोग उनसे पूछना चाहते थे। लेकिन यार, ये इंटरव्यू ठीक उसी तरीके से हुआ है जैसे कुछ सालों पहले मोदी जी का इंटरव्यू अक्षय कुमार ने लिया था। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। भाई, समझदार को इशारा काफी होता है, समझने वाले समझ चुके हैं। तो इस इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि रावण का लुक भाई ऐसा क्यों है। हमने अब तक जहाँ पर भी रावण को देखा है उसकी छवि तो ऐसी नहीं थी, लेकिन इसका लुक इतना ज्यादा अलग क्यों है। तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि रावण एक राक्षस था और बहुत ही क्रूर किस्म का राक्षस था, और इस तरीके के लुक से वो रावण की क्रूरता को दिखाना चाहते थे। और जब हमें रामायण नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को दिखानी है तो हमने वही दिखाया है जो आज के हिसाब से असुर है, और ये लुक हमें काफी क्रूर टाइप का नजर आता है। फिर दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि क्या ये पुष्पक विमान है, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये पुष्पक विमान नहीं है। और हमने आपसे कब कहा था कि ये पुष्पक विमान है? ये जो रावण है ये माया भी है, वो किसी भी चीज पर बैठकर आ सकता है। आप सिर्फ टीजर देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये पुष्पक विमान है या फिर कोई और चीज है। फिर उनसे पूछा गया कि प्रभु श्रीराम का लुक इतना एग्रेसिव क्यों है, वो गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं। तो इस पर जवाब देते हुए डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये जो टीजर में आप देख रहे हो उसमें आपको प्रभु श्रीराम का पूरा चरित्र देखने को नहीं मिल रहा है, ये सब उस वक्त के सीन है जब बैटल चल रहा था और उस वक्त श्रीराम क्योंकि गुस्से में थे इसलिए टीजर में ऐसा दिख रहा है। फिर अगला सवाल उनसे ये पूछा गया है कि उनके पैरों में चप्पल क्यों दिखाई गई है और उनके फेस पे ये मूंछ क्यों दिखाई गई है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम वनवास के लिए निकले थे। यहाँ पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस देते हुए कहा है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु श्रीराम अपना वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे तब राज्याभिषेक करने से पहले उनके बाल काटे गए थे, तो इसलिए उन्होंने फिल्म में प्रभु श्रीराम का लुक इस तरीके से रखा है, और ये सब उन्होंने सोच समझ कर किया है। मूछो वाले सवाल पे तो उन्होंने उनकी एनालॉजी दे दी, लेकिन चप्पल वाले सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। टीजर में माता सीता के बारे में कुछ ज्यादा दिखाया ही नहीं था तो उनके ऊपर कोई सवाल बनता भी नहीं था। फिर उनसे ये पूछा गया कि वानर सेना ऐसी क्यों है, ये वानर कम और गोरिल्ला ज्यादा लग रहे हैं। इस पर इनका जवाब था कि ये क्रिएटिव प्रेजेंटेशन है, और क्योंकि फिल्म नेक्स्ट जनरेशन को दिखानी है, बच्चे किंग कॉन्ग जैसी फिल्में देखते आ रहे हैं, इसीलिए ये इतिहास उनको उन्हीं की भाषा में समझाना होगा, तभी जाके वो समझ पाएंगे। अब अगला सवाल लेदर पहने हुए हनुमान जी और उनके गुस्से वाले स्वभाव के ऊपर था कि भाई, हमेशा राम भक्ति में लीन रहने वाले हनुमान जी आपके टीजर में इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जवाब ये मिला कि हम हनुमान जी को लेदर कैसे पहना सकते हैं, वो लेदर नहीं कैनवास है, पर वो उसके कलर की वजह से ऐसा दिख रहा है, और क्योंकि आप बैटल वाले सीन देख रहे हैं इसलिए आपको थोड़े से हनुमान जी गुस्से में नजर आ रहे हैं। और फिर उनसे सबसे तीखा सवाल पूछा गया कि वीएफएक्स ऐसा कार्टून जैसा क्यों है, तो इस पर डायरेक्टर साहब का जस्टिफिकेशन कुछ इस प्रकार का था। देखो, फिल्म मैंने मोबाइल के लिए नहीं बनाई है। अगर मेरा बस चले तो मैं यूट्यूब पे ट्रेलर डालू ही नहीं। फिल्म बड़े पर्दे पे बनाई है, बड़े पर्दे पर 3D में देखने के लिए बनाई है। यूट्यूब पे देखने का मुझे छोटे पर्दे की फिल्म नहीं आती, मुझे मोबाइल के लिए फिल्म बनाना नहीं आता। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो इस टीजर को यूट्यूब पे रिलीज ही नहीं करना चाहता था, लेकिन आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, मार्केटिंग के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन आप इसको मोबाइल पर मत देखो, थिएटर में जाके 3D में देखो, और अगर तब भी कार्टून जैसा लगे तो उसके बाद बोलना। फिर उनसे पूछा गया कि टीजर को देख के लोगों के जो रिएक्शन आ रहे हैं, क्या आपने सोचा था कि लोगों के रिएक्शन ऐसे आएंगे? तो इस पर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 1.5 मिनट के टीजर को देख के इस मूवी को जज करना बंद करें, अब थिएटर में जाके 3D में इस मूवी को देखे। हमने रामायण के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ हमने इस रामायण को बनाया है। इस इंटरव्यू में मनोज मुंतशिर ने एक स्पॉइलर भी दे दिया है। उन्होंने हमें बताया है कि माता सीता का जो हरण वाला सीन है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि ये सीन ऐसे होने वाला है। यहाँ पर रावण बिना छुए माता सीता का हरण करने वाला है। ये सब वो कैसे करने वाले है ये तो फिल्म में ही पता चलेगा। अब इनके सवालों से एंकर तो बड़ी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सारे सवाल उन्होंने सिर्फ कवर अप करने के लिए दिए है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।